कलम प्रभा खेतान फाउंडेशन का एक हिंदी भाषा को प्रोत्साहन करने का इनिशिएटिव है, जिसके सहभागीदार हैं कर्मा फाउंडेशन और इतना जो खास वेन्यू आप देख रहे हैं उसके पार्टनर हैं हाउस ऑफ एमजी, और उनके साथ मिलके हम एक कलम का तीसरा अध्याय आज कर रहे हैं। और तीसरे अध्याय में हमारे साथ जो लेखिका हैं अनु सिंह चौधरी जी, वो पत्रकार हैं, फिल्म मेकर हैं, तो आज उनके साथ वार्तालाप में रहेंगे पूजा जी। जो पूजा जी हैं वो पहले आरजे रह चुके हैं और हमारे साथ काफ़ी गतिविधियों में हमेशा साथ रहते हैं, तो मैं बहुत टाइम नहीं लूँगा और आप लोगों को फिर से एक बार वेलकम करके धन्यवाद करके और उनको आने के लिए बोलूँगा और शुरुआत करें। जहाँ पर हम कन्वर्सेशन करने वाले हैं उनकी ये बुक है मम्मा की डायरी, जो कि उनकी सेकेंड बुक है, उनकी दूसरी पुस्तिका है। पहली पुस्तिका विच इज लाइक अ कंपाइलेशन ऑफ स्टोरीज, जिसका नाम है नीला स्कार्फ, और ये दूसरी जो मम्मा की डायरी पुस्तिका है, आई रेड इट, और सबसे पहले जब मैं उनको मिली तो मैंने सबसे पहली चीज़ उनको जो बोली दैट यू नो, मुझे ऐसा लगा कि आपने शायद मुझे कॉल करके मेरे साथ डिस्कस करके मेरी पूरी बात इसमें लिख दी है। यू नो आई कुड रिलेट टू दिस बुक सो मच बिकॉज इट्स अ जर्नी ऑफ अ मदर, बेसिकली इट्स अ जर्नी ऑफ अ वर्किंग वुमन हु बिकम्स मदर, और वो पूरा जो उसका मनोमंथन होता है, उसके दिमाग में जो सारी चीज़ें चलती रहती है, उसकी खुद के साथ जो फाइट होती है, दूसरों के साथ जो फाइट होती है, सो वो जो पूरा एक्सपीरियंस है, आई एम श्योर ऑल दी वर्किंग फीमेल्स आउट हियर और आई मीन ऑल दी पेरेंट्स कैन रिलेट टू दिस बुक वेरी वेल। सो शुरुआत करते हैं, मुझे आप सबसे पहले बताएं, जैसे मुझे तो ऐसा लगा ही कि ये मेरी खुद की स्टोरी है, आपको कब इंस्पिरेशन मिली कि आपने लिखनी चाहिए? सबसे पहले तो करण और पूजा की बात को आगे बढ़ाते हुए बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी गर्मी में आप आए हैं, और उससे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि इतना वॉर्म और इतना इंटीमेट, मुझे वाकई में लग रहा है कि ये कॉन्वर्सेशन होने वाला है, संवाद होने वाला है, मेरे पास माइक नहीं है और मुझे कहीं दूर स्टेज पर नहीं बिठाया गया है, तो ये वाकई में ये जो वॉर्म्थ है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि ये किताब आप भी पढ़ेंगे शायद यहाँ से ले जाने के बाद, और ये सच है कि एक यात्रा ही थी जिसको मैंने डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की। इसका ख्याल मेरे जहन में कैसे आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये जानती थी कि मेरी माँ की और नानी की बहुत सारी ऐसी डायरियाँ थी जो पन्ना दर पन्ना भरती रही थी कई सालों तक, हर साल वो डायरी लिखती थी जिसमें धोबी और काम वाली और सब्जी और मकई कितने में बिका, गेहूँ कितने में बिका, उसके हिसाब के अलावा उनकी अपनी कविताएँ भी होती थी, उनके अपने कुछ ख्याल भी होते थे, उनके अपने डर होते थे, उनका अपना टूटा हुआ आत्मविश्वास जिसको तोड़ कहीं सहेज सहेज कर वो उन पन्नों पर लिखने की कोशिश करती थी, हमारे साथ का उनका अपना अनुभव एक माँ के तौर पर, एक औरत के तौर पर, एक पत्नी के तौर पर, उसको उन्होंने लिखा कहीं किसी दराज में, किसी अलमारी में, किसी बक्से में, किसी संदूक में, कहीं छज्जे पर वो डायरियाँ पड़ी रहीं और शायद उनको दिमाग खा गया। तो ये एक मुझे लगता था कि हम इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम जिस दौर में रह रहे हैं वहाँ सब कुछ बड़ी तेज़ी से डॉक्यूमेंट होता है, जितनी तेज़ी से डॉक्यूमेंट होता है उतनी तेज़ी से टाइम टाइम से गायब भी हो जाता है। तो हम एक डॉक्यूमेंट कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए या फिर अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, और भी उसको उतनी तेज़ी से भूल रहे हैं। तो मुझे मालूम था कि मुझे कुछ दस्तावेज़ तो करना है जिसमें मैं अपने डर को सहेज कर रख सकूं ताकि मैं अपने बच्चों को बता सकूं कि 25 साल बाद जब तुम पेरेंट्स बनोगे 30 साल के बाद तो वो कौन सा दौर था जिससे हम गुजर रहे थे और किस दौर में हमने तुम्हें बड़ा किया, हमारे अपने समय की नाकामियाँ क्या थी और हमारी अपनी सफलताएँ क्या थी, उससे तुम क्या सीख सकते हो। तो सो जो पहला थॉट था वो यही था कि मुझे ये अपनी यात्रा जो है अपने बच्चों के लिए डॉक्यूमेंट करनी है। तो उसके लिए मैंने काफ़ी सारे टूल्स का सहारा लिया, मैं ब्लॉग करती थी कई बार, फेसबुक पे भी उनकी तस्वीरों के साथ जो हमारी पीढ़ी के सारे लोग शेयर कर रहे थे तो वो करती थी, लेकिन किताब के रूप में इसके बनने के पीछे दरअसल बहुत सारे उन
साथ के पेरेंट्स की गुजारिश या फिर उनकी सलाह भी जो थी वो लगातार आती रही, पहले अपने बच्चों के सामने और उसके बाद फिर दुनिया के सामने। तो मुझे जब मेरे एडिटर ने पूछा, मेरे पब्लिशर ने कि कितनी कॉपीज छापे, मैंने कहा कि 100 छाप लेते हैं, 200 छाप लेते हैं, मेरे 2-4 दोस्त होंगे वो पढ़ लेंगे, 50 मैं रख लूँगी, बच्चों और बच्चों के दोस्तों को दूँगी, 200 छापते हैं। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये डायरी कितने लोगों तक पहुँचेगी। आपसे गुजारिश है कि यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं शायद सबने बुक नहीं पढ़ी, तो आप कुछ बुक के बारे में बात कर ले, किस तरह की राइटिंग है, या इफ़ यू कैन रीड समथिंग फ्रॉम द बुक जो कि लोगों को ओवरऑल थोड़ा सा ख्याल दे सके कि बुक में क्या है। बिल्कुल, मैं इसकी जो भूमिका है बहुत छोटी सी है, बस इतनी सी ही है, और मुझे लगता है कि ये सार है, ये वजह है, जो सवाल आपने पूछा कि ये किताब में क्यों लिख रही थी, और उसके पीछे की वजह है और क्या है इस किताब में। भाषा तो क्या होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन जितनी ईमानदार मैं हो सकती थी भाषा के लिहाज से मैंने कोशिश की, मैंने उसी ज़ुबान में लिखी है जो मैं बोलती हूँ, और मैं उन लोगों में से हूँ जिसके लिए मुझे मेरी अच्छी खासी कई बार आलोचना भी हो जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस ज़ुबान में हम जो आप जिस ज़ुबान में बोलते हैं समझते हैं उसी ज़ुबान में, क्योंकि साहित्य समझने के लिए मतलब संवाद के लिए होता है, अभिव्यक्ति के लिए होता है, और जैसे ही हम भाषा को भारी भरकम कर देते हैं वैसे ही हम अपने पढ़ने वालों के लिए जिसके साथ हम संवाद करने की कोशिश करते हैं उसके लिए मुश्किलें बढ़ा देते हैं। तो जो भाषा पर आपका सवाल था वो यही, शायद उसकी एक झलक यहाँ मिल जाए आपको, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने उसी ज़ुबान में लिखा जिसमें लिखने की कोशिश की जिसमें मैं बोलती हूँ, तो जाहिर है इसमें कई बार अंग्रेज़ी के जो आम बोलचाल के शब्द हैं वो बड़ी सहजता से आ गए होंगे। मैं भोजपुरी भाषी हूँ तो जाहिर है कि भोजपुरी के वो देसत शब्द भी आ गए होंगे, तो भाषा तो मोटा मोटी यही है। भूमिका से मैं पढ़ रही हूँ, वे लोग वो रिश्ते कुछ बातें। ममा की डायरी को मुकम्मल शक्ल देने के दौरान दो घटनाएं हुई। मेरे पास एक लड़की का ईमेल आया, उसने लिखा था, आपको पढ़ते हुए हिम्मत जगी कि आपको लिखूं, घर की बात मैं नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे कभी घर अच्छा नहीं लगा। आगे उसने ये भी लिखा कि उसकी माँ से उसकी क्यों नहीं बनती और पापा के साथ उसके रिश्ते क्यों अच्छे नहीं रहे। उसके खत से मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये 22-23 साल की कोई लड़की है और उसकी उम्र है दुनिया भर से नाराज़ रहने की। ऐसे ही खुद से और शायद दुनिया से नाराज़ 17 साल की एक लड़की ने एक सुबह खुदकुशी कर ली। मैं उस पर एक लड़की के परिवार को अच्छी तरह जानती थी। उन दिनों मैं इसी किताब के सातवें चैप्टर पर काम कर रही थी और परिवार में संवाद यानी ओपन डायलॉग की अहमियत पर अपनी राय रखने की कोशिश कर रही थी। फिर कई दिनों तक मैं अपनी इस डायरी की ओर लौटने की हिम्मत न कर सकी। लगता रहा कि सारी मेहनत ज़ाया है। रिश्तों और परिवारों की अपनी किस्मत होती है, इंसानों की तरह सब अपनी अपनी साझा तकलीफों का दंश झेलते हैं। जो परिवार सुरक्षा का सबसे बड़ा घेरा होता है वही परिवार कई जटिलताओं और उलझनों का साक्षी भी होता है। एक परिवार के तौर पर हम साथ आते और रहते जरूर हैं, लेकिन जीते अपने अपने हिस्से के दर्द ही हैं। जो दर्द हमें जोड़ सकता है वही दर्द हमें उम्र भर के लिए तनहा छोड़ भी दे सकता है। फिर परिवार क्या करता है, हम परिवार बनाते क्यों हैं, इतनी सारी जटिलताओं के बीच जिंदगी इतने संघर्षों के बीच बच्चों की परवरिश कैसे हो। हमारी पीढ़ी ही इस तरह उलझी हुई है या वक्त सबको सदियों से उलझाता रहा है। जिन सवालों ने किताब को आगे बढ़ने से रोक दिया उन्हीं सवालों ने मुझे वापस इसे पूरा करने के लिए प्रेरित किया। ममा की डायरी पेरेंटिंग गाइड नहीं है, ममा की डायरी कालजयी रचना भी नहीं है। मुमकिन है कि एक बार पढ़ लेने के बाद इस किताब को आपकी शेल्फ पर बचे रहने की दरकार भी न हो, बल्कि ज़्यादा बड़ी संभावना तो इस बात की है कि ममा की डायरी आपके लिए बोझ बन जाएगी। मुमकिन है कि आपको कम से कम एक बार खुद को और अपने परिवार को बेहतर समझने की कोशिश करने के लिए मजबूर कर दे। चूँकि मैं घोर आशावादी हूँ इसलिए ये उम्मीद पाले बैठी हूँ कि मुझे ईमेल भेजने वाली लड़की भी इस किताब को पढ़ेगी और नए सिरे से अपने परिवार के साथ अपने रिश्ते सहेजने की कोशिश करेगी। मैं समाज शास्त्री नहीं, न मनोविज्ञान की विशेषज्ञ हूँ, मैं पेरेंटिंग एक्सपर्ट भी नहीं। ये किताब मेरे अनुभवों का लेखा जोखा है, मेरे अपने जिए हुए पर आधारित है। मैंने जीते हुए कई गलतियाँ की हैं इसलिए किताब में भी उन गलतियों के होने की पूरी गुंजाइश है। उम्मीद है कि उसके लिए माफ़ी की हकदार बनी होगी।
मेरे परिवार के हर अनमोल रिश्ते का शुक्रिया, उनकी वजह से ये, उसके पहले मैंने और लोगों को थैंक यू बोला है, वो आप पढ़ लीजिएगा किताब। उनकी वजह से ये यकीन बाकी है कि दुनिया में हर दर्द का इलाज घर में मिल ही जाता है, हर दर्द पर स्नेह का मरहम ही लगता है। मेरे पति मनीष का शुक्रिया कि हम तमाम असहमतियों के बावजूद कभी आकर सिंह नहीं होते, और शुक्रिया माँ का, माँ ना होती तो मैं क्या होती। मुझे बेहतर, बहुत बहुत बेहतर इंसान बनाने के लिए शुक्रिया आदर और आदिल का, मैं माँ ना होती तो जाने क्या होती। सो दिस सम्स अप द जीस्ट ऑफ द बुक। अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे तो एज शी हैज गिवन द टाइटल मम्मा की डायरी, इट इज़ एक्चुअली अ डायरी जो कि मम्मा खुद लिख रही है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो पूरी प्रोसेस की बात है। तो आई रियली वॉन्ट टू नो कि ये जो पूरा प्रोसेस, मतलब आपने व्हेन यू वर वर्किंग एज अ जर्नलिस्ट विद सब चैनल एंड यू कंसीव योर किड्स एंड देन योर जर्नी गोज ऑन, तो ये पूरी सिचुएशन आपने जिस तरह से डिस्क्राइब करी है बुक के अंदर, मतलब आई कैन रिलेट टू इट सो मच, तो किस तरह का वो पूरा माहौल पूरा ये सिर्फ मेरी ही सब, मतलब हम सब उससे जो भी जो काम करता हो ना करता हो, घर में रहता हो, जिसने ये चॉइस लिया कि, और मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि सामाजिक कॉन्टेक्स्ट जो संदर्भ है जिस समाज में हम जी रहे हैं वो बड़ा अहम हो जाता है, क्योंकि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं, लेकिन हम टूटे हुए बिखरे हुए परिवारों की पैदाइश हैं, और न चाहते हुए भी परिवार अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बट ही जाता है। तो उसमें जो चुनौती होती है बच्चे पहले तो लेकर आने की, क्योंकि आपके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, और फिर उनको बड़ा करने की, क्योंकि आप कुछ संस्कार हैं, कुछ मूल्य हैं जो आप उनको देना चाहते हैं, और वो परिवार से आता है। मैं बड़ी शिद्दत से इस बात पर यकीन करती हूँ कि हर शख्सियत को बनाने में परिवार का बहुत बड़ा हाथ होता है। जो भी हम होते हैं, हमारी जो भी पर्सनैलिटी होती है वो दरअसल परिवार से उपजी हुई होती है, और अगर आप साइकोलॉजी भी, ह्यूमन साइकोलॉजी भी पढ़ें या सोशियोलॉजी भी पढ़ें, तो कहीं ना कहीं जो पास्ट होता है, जो बचपन में हम जिस दौर से गुजर रहे होते हैं या जिन अनुभवों से गुजर रहे होते हैं, वो हमारी पूरी शख्सियत को तैयार करने में बड़ी अहम भूमिका निभाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस समाज में हम रहते हैं, भारतीय समाज में, जहाँ परिवार को इतनी अहमियत दी जाती है, वहीं पेरेंटिंग को ये मान लिया जाता है कि अरे ये तो ऑटो पायलट पे हो जाता होगा, मतलब बच्चे तो पैदा हो जाते हैं, पल जाते हैं, बढ़ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, वो प्रोसेस का हिस्सा होता है। तो कभी थॉटफुल होके बहुत हम ना अपने परिवार को देखते हैं और ना अपने रिश्तों को देखते हैं, मतलब हम जो और जितनी तकलीफें होती हैं जो अपने रिश्तों में होती हैं, साझा रिश्तों में, जो अपने माता पिता के साथ या फिर अपने बच्चों के साथ या पत्नी के साथ, और सबसे ज़्यादा करीबी रिश्ते, रिश्तों में होती है, भाई बहन में, भाइयों में सारी तकरार, मतलब पूरी की पूरी महाभारत हो गई भाइयों की तकरार की वजह से, बावजूद उसके हम लौट कर नहीं देखते कि कहाँ वो कहाँ हमसे क्या छूट जाता है जो हम अपने आप को और अपने बच्चों को नहीं देख पाते। तो ये डायरी दरअसल सिर्फ पेरेंटिंग को या उस प्रक्रिया को समझने की कोशिश नहीं थी, ये भी कोशिश थी कि हम लौट कर परिवारों की संरचना को भी समझ सकें, कम से कम जिस समाज से मैं आती हूँ वहाँ देख सकूँ। तो मेरी ये भी कोशिश थी कि अच्छा मेरी नानी के समय में जो बच्चों को बच्चों को पालने की प्रक्रिया थी, इससे मेरी माँ के समय की प्रक्रिया बिल्कुल जुदा थी, और हम क्या सही और क्या गलत कर रहे हैं, जाहिर है हम सब गलतियाँ कर रहे हैं, मतलब पेरेंट्स के तौर पर, क्योंकि छोटे छोटे कुत्तों के बच्चे में, न्यूक्लियर फैमिलीज में अपने बच्चों को बड़ा करते हुए हम बहुत सारी गलतियाँ कर रहे हैं। हम बच्चों को टीवी के सामने बैठा रहे हैं, उनको फ़ोन पकड़ा रहे हैं, हम अपने वक्त को, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है तो हम उसकी भरपाई करने के लिए उनको मॉल्स लेके जा रहे हैं, उनको महंगे महंगे तोहफे दे रहे हैं, तो तमाम सारी गलतियाँ, लेकिन इसके लिए हम जिम्मेदार उतने ही हैं जितना पूरा समाज जिम्मेदार है। तो एक माँ के तौर पर या एक पिता के तौर पर ही सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मेरे पास वक्त नहीं है, पूरे समाज के, टेक्स अफ्रीकन प्रोवर्ब है और आपने भी ज़रूर सुना होगा, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ किड, सब बच्चों को बाजू हम ऑटो पायलट में मान लेते हैं, वो तो ऐसा तो हम आइसोलेशन में बच्चे ना पैदा कर रहे हैं ना पाल रहे हैं, एक अस्पताल में जा रहे हैं तो वहाँ का आसपास का जो पूरा वाइब है वो हमारे बच्चों पर हम पर असर डाल रहा है। तो अगर एक पेरेंट जिम्मेदार है कि बच्चों को हमने टीवी के सामने बिठा दिया, तो उतना ही हमारा समाज भी जिम्मेदार है कि इतनी सारी हमें मुसीबतें दे दी जो
हम जो उपभोक्तावादी संस्कृति के पीछे पड़े और हम हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। अगर हम करियर में अच्छा नहीं कर रहे हैं, अगर मैंने चूज़ किया कि मैं करियर ड्रॉप करूँ, या मेरे हस्बैंड ने चूज़ किया कि वो हाउस हस्बैंड, में एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर हाउस हस्बैंड बनना है तो 10 तरह की बातें करने वाले हम ही लोग होंगे, तो मुसीबतें तो हमने अपनी बढ़ा दी, हमने अपने अपने बुजुर्गों के लिए इज्जत हमने नहीं की और उसका खामियाजा अपने हम बच्चे के बल पर जाए। तो कहने की कोशिश ये है कि हम कई सारे स्तरों पर तोड़ते बिगाड़ते गए और उसका असर जो है अब इस पीढ़ी पर पड़ रहा है और उस दौर में हम अपने बच्चे बड़ा कर रहे हैं। तो कंसीव करने से लेकर जो उनको बड़ा करने तक की जर्नी है, उसकी चुनौतियों को अगर हम गहरी तक करके एक बार थम कर और सोचेंगे नहीं और उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे, या उसके लिए पूरे समाज पर तो हमारा बस नहीं है, लेकिन अपने लिए हम कुछ चॉइसेस कर सकते हैं। आप चूज कर सकती हूँ, मैं चूज कर सकती हूँ, अपने लिए हम सब अपने अपने निजी लेवल पे चूज कर सकते हैं। तो वो चॉइसेस क्या हम सही कर सकते हैं, क्या उसको ठीक करके हम थोड़ा सा वक्त और थोड़ी सी सोच और थोड़ी सी बेहतर परवरिश अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो यही सबसे बड़ा डर था मेरा, सबसे बड़ा डर कंसीव करने के, और जो डिलेमा जिस डिलेमा की बात कर रहे थे वो सबसे बड़ा डिलेमा यही था कि मैं कहाँ, मतलब मैं किस दुनिया में बच्चों को लेकर आऊँ, उस दुनिया में जहाँ जहाँ यूरोप ठंडा हो रहा है और भारत गर्म हो रहा है, जहाँ पर मतलब हमें मालूम नहीं कि 5 साल बाद हमारे अपार्टमेंट्स में पानी होगा या नहीं, जहाँ पर हमें मालूम नहीं कि अगर मैं रात में बच्चों के साथ अपने परिवार के साथ जा रही हूँ तो मैं या मेरी बच्ची सेफ है, तो कैसी दुनिया में हम बच्चों को लेकर आ रहे हैं। तो ये तो सबसे बड़ा डिलेमा था और ये डिलेमा समाज से जुदा हो नहीं सकता। तो ये मेरा निजी डिलेमा तो है नहीं, ये तो पूरे समाज का डिलेमा है ना। तो बस उसी को समझने की कोशिश की और मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है अभी भी। 12 साल हो गए बच्चों को, मतलब मेरे बच्चे 12 साल के हो गए। इस दौरान हमने कई फैसले किए निजी भी और पारिवारिक परिवार के तौर पर भी, एक यूनिट के तौर पर भी, लेकिन ऐसे सवालों का कोई जवाब नहीं है। तो आप क्या करते हैं फिर? तो एक पेरेंट के तौर पर या एक कॉन्शियस नागरिक के तौर पर या इंसान के तौर पर हम नेगोशिएट करते हैं। तो वो क्या क्या नेगोशिएशंस हो सकते हैं जो मैंने किए, तो उन नेगोशिएशंस को आपके सामने रख के क्या मैं आपके लिए कोई मतलब रास्ता तो नहीं, मैं क्या ही दिखाऊंगी, लेकिन अपने अनुभव में आपसे बात करके अगर आप में थोड़ा सा भी वो जज्बा पैदा कर सकूँ कि अच्छा एक नहीं, एक बाबा दादी के तौर पर मैं ये बात स्वीकार करती हूँ कि इस किताब को लिखने के साथ साथ जो सबसे बड़ा बदलाव मेरी ज़िंदगी में आया वो ये कि मेरा रिश्ता मेरे पति से, मेरे पिता से और मेरे माँ बाप से जो हील हुआ इस तरीके से कि उनको पता था कि उनको ये समझ में आ गया कि हम सब एक दूसरे की ज़रूरत है। जो कहते हैं एक परिवार में रहते हुए हम कभी नहीं कहते एक दूसरे से कि हम सब एक दूसरे की ज़रूरत है, आई नीड यू एज मच एज यू नीड मी, मैं अकेले बच्चा नहीं पाल सकती, आई नीड यू। तो ये मैंने कह दिया इस किताब के जरिए। तो मुझे नहीं मालूम कि ये किताब कितनी जिंदगी बदलेगा, लेकिन मेरी जिंदगी तो बदल गई। तो मेरे लिए बड़ा आसान हो गया, मैं अपनी माँ को कह सकती हूँ कि हथियार डाल रही हूँ, मुझे संभल नहीं रहे और मुझे एक महीने के लिए रेजिडेंसी के लिए US जाना है, आकर संभालिए तभी तुम्हें काम करूँगी। तो ये है जो, और कुछ नहीं था, ये खोदने की कुरेदने की प्रक्रिया थी। तो आप लगातार कुरेद के देख रहे थे कि अच्छा कहाँ नेगोशिएट करें, क्या ठीक करें, क्या हील करें, क्या सही करें, अपने बच्चों को क्या दें बड़ा करते हुए। पर दैट्स ट्रू, इस पूरी प्रोसेस में जैसे आपने लिखा है इसमें कि न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ते जा रहे हैं जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज हैं। नाउ द सिनेरियो इज दैट लोग छोटे शहर को छोड़ के करियर बनाने के लिए बड़े शहर में आते हैं। इट्स अ गुड थिंग दैट यू नो दे आर ग्रोइंग, दे थिंक अबाउट देयर करियर एंड दे आर डूइंग वेरी वेल दैट वे ऑल्सो, बट देन इन दैट केस क्या किया जाए? जैसे कई चीज़ों में ये पॉसिबल नहीं होता है कि आप जॉइंट फैमिली में रहे ही रहें, बिल्कुल, और कई चीज़ों में ये पॉसिबल होता है कि इफ़ यू विश यू कैन, इफ़ यू चूज टू। सो जहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है वहाँ पर ये कैसे किया जाए? कुछ नहीं, आप वो एक जो कीवर्ड है जो मतलब आपको उसको वो ये मान के चलिए कि आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय नेगोशिएट करने के। तो आप नहीं, आप हालात नहीं बदल सकते। मैं अपने बुजुर्ग सास ससुर को नहीं कह सकती कि आप दिल्ली या मुंबई जैसे शहर में, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी एक छोटे से गांव में या छोटे से शहर में गुजारी, जिनके पास वो अभी आम और लीची की तस्वीरें मुझे व्हाट्सएप पे वहाँ
या गूगल प्राइवेसी में हमारे इस तरह से इंक्रोच कर रहा है और हम जो बात कर रहे हैं वो फ़ोन रिकॉर्ड हो रहा है, कल को आपके सर्च पे आएगा, तो आपकी प्राइवेसी पूरी तरह ज़ाया हो रही है. तो 11 12 साल की उम्र में कैन यू डील विद दिस? इफ़ यू डील विद, यू फील दैट यू कैन डील विद दिस, तो प्लीज़ गो अहेड एंड स्टार्ट इट. तो बस और कुछ नहीं, बस यही. तो और यही ओपन सवाल है, जब भी बच्चा कंसीव कर लेना चाहिए एंड देन योर बेस्ट फ्रेंड यू नो बैशिंग यू दैट दिस इज द मोस्ट पैथेटिक रीजन टू हैव किड. और फिर आपने ये भी उसमें लिखा है कि जब आपने बाकी सारी औरतों से पूछा कि आपको बेबी क्यों चाहिए या आपको लाइफ में बच्चा क्यों चाहिए, तो उन्होंने जो रीजंस दिए थे दे वर ऑल काइंड ऑफ यू नो क्योंकि करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि शादी की तो बच्चा तो होना ही चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ. तो हाउ डू यू जस्टिफाई दैट हमारी सोसाइटी में उस तरह की मैच्योरिटी नहीं है, दैट व्हाई डू यू हैव टू स्टार्ट योर फैमिली, व्हेन डू यू हैव टू स्टार्ट योर फैमिली, व्हाई डू यू हैव टू स्टार्ट योर फैमिली, तो वो पूरा थॉट प्रोसेस आप कर रहे हैं. अगेन आई कांट, जो मैं लगातार ये बात कह रही हूँ कि हाँ ठीक है, समाज के संदर्भ में हम कुछ फैसले लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट हमेशा एक सोशल होता है, लेकिन फैसला हमेशा निजी होता है. तो ये डिलेमा हम सबका होता है, हम किसी के अक्सर हमारे पास जवाब नहीं होता, लेकिन क्या हम इतने ईमानदार हैं कि कह सकें कि हमारे पास कोई जवाब नहीं है और मैं अपनी बोरियत को ख़त्म करने के लिए एक परिवार शुरू करना चाहती हूँ, तो वो भी हमारे पास नहीं है, हमारे पास हिम्मत भी नहीं है और हमारे पास सही वजह भी नहीं है. रियली हम थॉटफुल नहीं है एज एडल्ट, वी आर नॉट थॉटफुल इनफ. जब हम एडल्ट होके भी व्हेन वी आर नॉट थॉटफुल, हाउ डू वी एक्सपेक्ट आवर चिल्ड्रन टू बी थॉटफुल, हाउ डू वी एक्सपेक्ट आवर नेक्स्ट जनरेशन. How do you expect a 20-20 or a 20-30 to be the, you know, the what do you call it, the you know, year of youth and the year of ये तो ये सब मतलब खोखली बातें हैं ना, क्योंकि हम तो पर्सनल लेवल पे even when we clearly this room is full of privileged people, we are here to have a conversation in an air conditioned room when outside it's एक और चीज चलाती हुई धूप में. privileged लोग हैं और कुछ नहीं, तो हमारे पास चॉइस का प्रिविलेज तो है, तो हम उस प्रिविलेज का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तो उस प्रिविलेज का इस्तेमाल करते हुए हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें कुछ अपने फैसलों को टटोलना है और देखना है, जिसमें परिवार को शुरू करने का एक अहम फैसला भी है. सो ऑल आई एम सेइंग इज लेट्स हैव इनफ रीजन. ऑफ कोर्स आई हैड द मोस्ट स्टूपिड रीजन टू हैव चिल्ड्रन, बट आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मैं ईमानदारी से बोल रही हूँ कि वो स्टूपिड रीजन था, लेकिन उन 10-12 सालों में मेरी ज़िंदगी बदल गई एंड आई हैव आई कैन गिव यू 20 रीजंस व्हाई यू शुड हैव, मतलब आई कुड हैव अनदर किड. सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करूँगा, आप आए हो इसीलिए ये समय है, तो सबसे पहले आपको ही श्रेय जाता है, उसके बाद अनु जी को, उन्होंने अपना इतना जो अच्छा समय निकाला है, बाहर से आए हैं और अपने बुक के बारे में पेरेंटिंग जैसे इशू में जिसको सबसे सबको लागू होता है, चाहे बड़े हों या छोटे, अभी ना हुई हो तो भी अब सो ऐसे उसके पर प्रकाश डालने के लिए उनको धन्यवाद. पूजा जी को मैं एक धन्यवाद थोड़ा सा देना चाहूँगा. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, वेरी मच सपोर्टिव टू द फाउंडेशन.